आप लोग, मैं और दीदी कर रहे मस्ती। तो हो गई है सुबह, तो मम्मा उठ गई है 5:30 बजे से। उठकर उन्होंने पहले तुलसी मैया की पूजा की। तुलसी मैया की पूजा करने के बाद उन्होंने घर में जाकर लड्डू गोपाल की पूजा की। लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद माता जी की पूजा की। उनके बाद मेरी मम्मा ने मेरे लिए चाय और नाश्ता निकाला। तो मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे जल्दी दे दो, बहुत देर हो रही है। तो मम्मी ने बनाई थी खारी पूरी, पर वो दिवाली वाली नहीं थी। मम्मा ने मेरे लिए नई दूसरी बनाई थी। तो मम्मा मेरे लिए लेकर आ गई चाय और नाश्ता। और मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आप ही मुझे खिला दो ना, क्योंकि मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी। मम्मा बोलती है ठीक है। तो मम्मा ने जल्दी जल्दी मेरे को खिला दिया। फिर मम्मा ने मेरा टिफिन बॉक्स रेडी कर दिया। उसमें दिए थे मेथी के पराठे और केचप, मुझे बहुत पसंद है। और मुझे पर्पल कलर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरा लंच बॉक्स और मेरा पानी का बॉटल दोनों पर्पल है। और मैं जा रही हूँ अपनी स्कूल। तो मेरी रिक्शा आ चुकी थी, तो मैं चले गई। फिर मम्मा गए थे अपना खाना बनाने के लिए। मम्मा को मैं बोल के गई थी कि मम्मा आप मेरे लिए वीडियो जरूर बनाना, मुझे क्योंकि अपने स्कूल शुरू हो गए ना, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना बहुत पसंद है। तो मम्मा ये बोलती है ठीक है। तो मम्मा तो एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक से हमें सब दिखा रही थी कि क्या बना रही है। तो मम्मी ने आज ड्रम स्टिक बनाई रही है, तो उसको सरगा के सींग भी बोलते। मम्मी ने आलू कट करके रखा था और टमाटर भी। ये बोलती ना कि मम्मा हमेशा अपने हाथों से मसाला पीसती है। मम्मा बोलती इसमें लीला नारियल और अदरक लहसुन की पेस्ट बनाई थी। फिर मम्मा ने निकाले सूखे मसाले, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, सारे चीज़ों उन्होंने एक प्लेट में निकाल दी। फिर उन्होंने ऑयल गरम करने के लिए रखा था, तो उनका ऑयल गरम हो चुका था। तो उन्होंने डाल दिया वो पीसी हुई उनके मसाले। पीसे हुए ऐसे मसाले डालने के बाद मम्मा ने डाल दिए सारे सूखे मसाले। सूखे मसाले डालने के बाद मम्मा अच्छी तरह से उन सारे मसालों को मिक्स कर दिया। और उन्होंने जो सब्जी कट करके रखी थी वो सारी सब्जियां मम्मी ने उसमें डाल दी। और सब्जियां और मसाले मम्मा ने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अगर आपको ये रेसिपी पूरी देखनी है तो मम्मी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तो आपको इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो मम्मा बोलती है ये सब्जी अपने घुटनों के लिए बहुत ही गुणकारी होती है, इसलिए मम्मा ने आज ड्रमस्टिक बनाई है। फिर मम्मा उसमें एक कप जितना पानी डाल देगी, फिर से ऊपर ढक्कन लगाकर मम्मा उसे छोड़ देगी। जब मैं स्कूल से आई ना, तो मम्मा ने मुझे सारा वीडियो दिया था, तो मैंने सारा वीडियो मम्मा का बनाया। तो मम्मा आप चेक करिए कि उसकी सब्जी, मतलब उनकी आलू और ड्रमस्टिक पकी है या नहीं पकी है। तो देखो मम्मा हमें भी दिखाएगी चेक कर कर। मम्मा ने पहले आलू निकाला, तो देखा तो आलू पक चुका है। अब मम्मा एक ड्रमस्टिक निकालेगी, उसको देखेगी तो वो भी अच्छी तरह से सब्जी पक चुकी है। तो ये आटा कौन सा है, मम्मा को पूछा। मम्मा बोले ये बाजरे का आटा है। हमेशा हम मैं ये सरगा के सींग में यानी कि ड्रमस्टिक की सब्जी में ये क्या बोल रही थी, हाँ बाजरे का आटा इसमें वो जरूर डालती है, क्योंकि ये डालने से सब्जी बहुत टेस्टी होती है। जो हम ग्रेवी सब्जी बनाते हैं ना, उसमें जरूर बाजरे का आटा डालते हैं। फिर मेरी दीदी चले गई कॉलेज, तो कॉलेज जाने के लिए निकल गई और मैं और मम्मा साथ में घूमने के लिए चले गए। मैं स्कूल से वापस आ गई थी, तो पहले हम लोग गए थे झुमके की दुकान पर खड़े थे। मम्मा कोई नहीं, हमें वहाँ झुमके और निम्पल्स लेके देख लेते ना, तो वहाँ जरूर खड़ी हो जाती है लेने के लिए। तो मम्मा को इधर ये राधे कृष्ण थे झुमके में, तो उन्होंने वही इयररिंग्स खरीद लिए। मम्मा बोलती है राधे कृष्ण वाले इयररिंग बहुत ही खूबसूरत है। और मैंने जो अंकल का वो गोल गोल रिंग वाला है ना, मुझे वो घुमाने में मजा आ रहा था। और मम्मा को इयररिंग्स देखने, मम्मा बोले थी बार बार मत घुमा, मुझे पता नहीं चलता मुझे कौन से इयररिंग्स लेने हैं। पर नहीं यार, मुझे तो घुमाने में मजा आ रहा था, तो मैं तो घुमाते जा रही थी। अंकल बोलने लगे मत घुमाओ। फिर मेरी दीदी ने भी
अपना वीडियो बनाया था वो खा लेती सेव पर इधर उसके मम्मी जा ही नहीं रही थी, बोल रही थी इतनी बड़ी थी मेरी मम्मी नहीं आ रही थी। फिर दीदी खाने लगी दही पूरी सेव पूरी, वाह सो यम्मी, उनको जितना टेस्टी लग रहा था तो खाई जा रही थी। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा मम्मी का, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहता। बाय बाय।